लेकिन वहाँ थोड़ी वो कहीं ना कहीं हमारी खामी रह जाती है। थोड़ी सी वो लंबा सा मैंने ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने गाइड किया था कि डाइस के सामने कैसे खड़े होते हैं और व्हाइट बोर्ड का हमने इस्तेमाल कैसे करना, अगर स्टेज है तो उसको हमने किस तरह से कवर करना है। जब भी आप डाइस के आगे ठहरे हैं तो बिल्कुल कमर इस तरह सीधी, यूं नहीं होंगे। बाल को आप देखो बस सियासतदान की तकदीर कर रहे होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो डाइस के ऊपर एक टांग थोड़ी आगे रख के यूं करके बात कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे होते हैं तो कभी यूं, इस तरह नहीं, बिल्कुल सीधा। और डाइस को आप जब यूज कर रहे हो तो एक फुट आप इधर भी हो सकते हैं, इधर भी रह के बात कर सकते हैं और एक फुट आप इधर भी। जब आप बात कर रहे होंगे व्हाइट बोर्ड का, जब आपने इस्तेमाल करना है, मैंने चेक किया है, नोट किया है कि बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है, बड़े बड़े प्रोफेसर साहबान को भी मैंने देखा है वो गलती कर जाते हैं। कि पहले मैंने नोटिंग किया था, जब ट्रेनिंग लेती नोट करना शुरू कर दिया, कि जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं अक्सर मैंने देखा है यूं करके लिख रहे होते हैं, तकरीबन हो सकता है हमें से भी कुछ लोग ऐसे ही करते होंगे। लेकिन जब हमने ट्रेनिंग ली थी उन्होंने हमें ये बताया था कि जब भी आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करें तो आपकी बैक जो है वो स्टूडेंट की तरफ ना हो, आपने साइड पे रहना है इस तरह, यानी कि आप ठहरे ये हैं, बॉडी आपकी मूव हो रही है, अगर आपने यूज किया है तो यूं लिख रहे हैं, बैक आपकी स्टूडेंट की तरफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप पीछे हो रहे हैं तो ऐसे ऐसा आप स्टेप पीछे लेके आएंगे, ये नहीं होगा कि आप यूं करके ठहरे और लिख रहे हैं। तो एक ये चीज स्टूडेंट से जब हम बात कर रहे होते हैं, मैंने कल दो दिन सर को नोट किया है, आपने भी शायद नोट ना किया हो कि सर जब बात करते हैं यूं करते हैं, तो हम स्टूडेंट से जब बात करते हैं तो यूं करते हैं। जब भी आप ऑडियंस से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो ये अंदाज़, ये अंदाज़। और जब आप इधर लफ्ज लिखा हुआ है, आपने लिख लिया है, स्टूडेंट्स को गाइड करना है तो आपने यूं करके बताना है, ये नहीं यूं करके, इस तरह। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और उसके बाद एक जगह पे स्टिल नहीं रहना आपने, बोर्ड अगर आपको वो क्या कहते हैं स्टेज है या जितनी जगह है आपकी, आपने क्लास के आगे टोटल कवर करना है। अगर ये तमाम हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो आपने यहाँ तक भी आना है, इधर भी कवर करना है, इधर भी रहना है और बातें करते हुए आपने यहाँ तक भी आना है और उधर भी जाना है, और सबके साथ आपने इस तरह से मूवमेंट करनी है, आई कॉन्टेक्ट। अच्छा, तो जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे उन्होंने एक चीज बताई थी कि आपके सामने हजारों लोग बैठे होंगे, अगर आपने किसी से आई कांटेक्ट कर लिया वहां आप रह जाएंगे, आपने आई कांटेक्ट किसी से नहीं करना, फील ऐसा कराना है कि आप सबको देख रहे हो लेकिन आई कांटेक्ट नहीं करना। फिर हमने सवाल किया था कि मैं वजाहत कर दे आई कांटेक्ट, आपने तायराना नजर रखनी है। अब फर्ज करें आप सब बैठे हैं तो अब मैं सबको देखूंगा, आप देख लें कि मैं देखूंगा किसी को नहीं, लेकिन मैं सबको देख रहा हूँ, मैं इस तरह से, यानी कि इस तरह से वो तैराना नजर ऐसे घूमता रहे, आपकी आई कांटेक्ट किसी से ना, आप फर्ज के सर बैठे हैं, अगर मैंने इनकी तरफ देख के शुरू कर दिया बोलना तो एक तो हो सकता है मेरे ध्यान में ये है कि मैं ये मुझे गौर से देख रहा है, मैं गलत बात कर रहा हूँ। अगर आप तैराना अंदाज से देखेंगे आई कांटेक्ट किसी से नहीं होगा, लेकिन देखने वाले को ये फील होगा कि आप सबको देख रहे हैं। सर दोबारा जरा आई कांटेक्ट वजाहत करें ना। मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूं। करनी नहीं है, बोलनी है, सादा अल्फाज में बता दें सर। आपने किसी की आंख में आंख मिला के बात की सारे किसी एक की, मतलब किसी एक पूरा मजमा बस के वो है कि आपने घूर के नहीं देखा, नहीं घूमनी आंख से 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 आंख आपका लेक्चर ही खराब हो जाएगा, सारा का सारा जो डाटा आपका था वो
एक साइड में हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, अगर हम लोग इसको सही अंदाज से परफेक्ट अंदाज से स्टूडेंट तक डिलीवर करें इसमें आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा होगा। आपने हमें ऑडियंस से और अपने आप से स्पीकर होने के बातें बनवाई हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स को या अपने वक्तव्य यानी सामेईन को कैसे अपनी तरफ मुतासर कर सकते हैं वो बता दें। एक टीचर जो होता है वो सिर्फ एक टीचर नहीं है, एक टीचर एक अदाकार है, एक टीचर एक फनकार है। जिस तरह एक सादा लफ्जों में उन्होंने लफ्ज यूज किया था, हो सकता है आपको लफ्ज अच्छा ना लगे लेकिन वो सच है, टीचर एक मदारी होता है, ठीक है। उन बिंट में कोई तो डूटी भी जाता है ना, हमने हर चीज को अपने अंदर डालना है कि बच्चों की तवज्जो हमारी तरफ हो। आप किसी मजमे में चले जाए, बंदर का तमाशा हो रहा है, तो लोगों की तवज्जो ये नहीं होती कि रोड के उस तरफ देखते हैं, वो नहीं देखते रोड के उस साइड पे ट्रेन जा रही है, मोटरसाइकिल जा रहा है, वो बैठे वो उधर गौर से देख रहे हैं। तो टुकड़ी वाला ऐसी ऐसी बातें कर जाता है वो मैं आपको बड़ा सांप दिखाऊंगा, पहले पहले कह देता है और ऐसा सस्पेंस डालता है, सांप दिखाता नहीं है, दो घंटे पूरे हो जाते हैं। आठ से दस सेकंड दो लोग बात कर रहे हैं तो कैमरा चेंज कर देते हैं, सीन चेंज कर देते हैं, दूसरा सीन दिखा, एक बात हो रही है तो दूसरा क्लिप शुरू हो जाता है, फिर वापस उस क्लिप की तरफ आ जाते हैं। हम लोग पूरा घंटा बैठ के देख रहे हैं, ऐसे होता है कि नहीं होता। अगर वो एक ही सीन मुसलसल वो चलता रहे हमारी तवज्जो हट जाएगी, दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, जिससे वो उसका वो मजा खत्म हो जाता है। जब वो इस तरह आठ सेकंड हम एज ए टीचर आठ सेकंड में या दस सेकंड में एक बात की है, थोड़ी सी अपनी जगह चेंज कर लें, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर लिया, व्हाइट बोर्ड के बाद चार्ट का इस्तेमाल कर लिया, चार्ट के बाद अपनी तरफ से कोई जाती मशवरा दे दिया, अपनी जाती मिसाल दे दी, फर्ज किया मैंने नहीं किया हुआ ऐसा काम जो बच्चों को बताना है, लेकिन वो हमने बच्चों को डालना है मैंने ऐसा किया। बच्चे आपको एज ए मॉडल ले रहे होते हैं, जब आप अपनी मिसाल डाल देते हैं कि मैं इस तरह से पढ़ता था, मैं सुबह 3 बजे उठता था और इस तरह से पढ़ता था, जब आप अपनी मिसाल देंगे तो बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। तो ये कि छोटे छोटे टॉपिक हम डिफरेंट चेंज करते रहेंगे तो बच्चों की तवज्जो भी ले लेंगे और अपना काम भी कर देंगे। गुड।